श्री राम दोस्तों, इसमें दो राय ही नहीं है कि राम मंदिर निर्माण के बाद अयोध्या पूरी दुनिया में हिंदुओं की सबसे पवित्र जगह बन गई है। भारत से लेकर अमेरिका तक और अफ्रीका से लेकर फिजी तक दुनिया भर में रहने वाला हर हिंदू एक बार अयोध्या आकर प्रभु श्री राम के दर्शन जरूर करना चाहता है। लोगों की श्रद्धा का तो ये आलम है कि 22 जनवरी को अयोध्या में बाहरी गाड़ियों के आने की मनाही थी, तो लोग 100 किलोमीटर दूर से ही अयोध्या के लिए पैदल निकल पड़े। 22 जनवरी की रात अयोध्या धाम पहुंचे तो पता लगा कि सारे होटल बुक है, मगर प्रभु को लेकर आस्था ऐसी थी कि सारी रात लोगों ने ठंड में जाकर सड़क पर ही गुजार दी। और फिर 23 जनवरी को दर्शन करने के लिए सुबह 5 बजे से लाइनों में लग गए। और ये किसी एक या दो लोगों की नहीं बल्कि हजारों लोगों की कहानी है। लोगों की यही आस्था, भगवान राम को लेकर उनका यही प्रेम बताने के लिए काफी है कि आने वाले दिनों में अयोध्या में भक्तों का सैलाब उमड़ने वाला है। एक अनुमान के मुताबिक अयोध्या में हर रोज 5 से 10 लाख लोग दर्शन करने आ सकते हैं, मतलब एक साल के अंदर 20 करोड़ श्रद्धालु रामलला के दर्शन करने अयोध्या आएंगे। अब इन करोड़ों श्रद्धालुओं को ठहरने के लिए सैकड़ों होटल चाहिए होंगे, इन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए टैक्सियां चाहिए होंगी। यहां आने वाला हर श्रद्धालु अगर 10,000 रुपए भी खर्च करे तो एक साल में सिर्फ अयोध्या में होने वाली कमाई दुनिया की कई देशों की पूरी GDP से भी ज्यादा हो जाएगी। अकेले अयोध्या ही नहीं, अयोध्या से 100-100 किलोमीटर दूर तक रहने वाले हर किसान, दुकानदार, व्यापारी की लाइफ हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगी। बिजनेस एक्सपर्ट्स का मानना है कि अकेले श्री राम जी का मंदिर ही यूपी को कुछ सालों में $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने में बड़ा रोल निभा सकता है। अकेले राम मंदिर इतने लोगों को रोजगार दे देगा जितना सैकड़ों हजारों फैक्ट्रियां भी मिलकर नहीं दे सकती। तो कैसे प्रभु श्री राम का एक मंदिर अयोध्या की, या यूं कहूं कि उत्तर प्रदेश की, या यूं कहूं कि पूरे भारत के रिलीजियस टूरिज्म की तकदीर बदलने वाला है, आइए आज इस वीडियो में उसी पर बात करेंगे। यकीन मानिए दोस्तों, जो आंकड़ा मैं आपको बताने वाला हूं वो आपके होश उड़ा कर रख देगा। और कोई भी आज के बाद अगर आपसे ये पूछे कि मंदिर बनाने से क्या मिलेगा तो ये वीडियो भेजकर आप उसका मुंह बंद कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए ऐसे लोगों का मुंह बंद करने की कार्यवाही शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे दबाकर शेयर करना, अपने दोस्तों, यारों, रिश्तेदारों तक पहुंचाना और कमेंट सेक्शन में जाकर एक बार जरूर लिखना। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, मैं हूं रौनक। 22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो बहुत से जलनखोर लोग ये सवाल करने लगे कि मंदिर तो बन गया, अब क्या करें, इससे किसी को रोजगार मिलेगा क्या, इससे अच्छा तो इतने पैसे में अस्पताल बना देते, ये कर लेते, वो कर लेते। खोपड़ी तोड़ साले का। कुल मिलाकर ऐसे जलनखोरों का यही कहना था कि मंदिर बनाने से क्या होगा, ये बनाना तो पैसे की बर्बादी है और इससे कुछ होने वाला है नहीं। तो भैया एक बात मैं बता दूं, ऐसे लोगों के पृष्ठ भाग में जो असहनीय पीड़ा हो रही है ना, जो दर्द हो रहा है, जो पेन हो रहा है उनके बैक साइड में, उसको अगर मैं छोड़ भी दूं तो भी ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर राम मंदिर से मिलेगा क्या। इसे एक लाइन में यूं समझ लीजिए कि जो अयोध्यावासी आज से पहले साल भर में जितना नहीं कमाते थे उससे कई गुना ज्यादा पैसा वो अगले 1-2 महीने में ही कमा डालेंगे। लेकिन कैसे, इसके ऊपर आगे वीडियो में डिटेल में बात करेंगे और उस पर अपनी राय भी रखेंगे। वैसे राय से याद आया, आपके पास भी अपनी ओपिनियन या राय है तो उसे देकर आप ढेरों पैसे जीत सकते हो प्रोबो ऐप पर। ऐप कैसे डाउनलोड करोगे, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके प्रोबो ऐप को डाउनलोड करो। कई सारे सवाल है, सिर्फ हाँ या ना में आपको अपनी ओपिनियन देनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कल से टेस्ट क्रिकेट शुरू हो रहा है इंडिया वर्सेज इंग्लैंड, क्या लगता है इंडिया इंग्लैंड को हराएगी पहले टेस्ट मैच में, या फिर रोहित शर्मा 25 से ज्यादा रन बनाएंगे पहले टेस्ट में। जो भी आपका जवाब हो, हाँ या ना, अपनी ओपिनियन आप प्रोबो पर दीजिए, क्वांटिटी बढ़ाकर इन्वेस्ट कीजिए, ढेर सारे पैसे जीते और आसानी से उसको विड्रॉ करिए। लेकिन सबसे पहले आपको इस ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, नाम है प्रोबो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से करो। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आइए अब आपको डिटेल में ये बताते हैं कि कैसे अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनने से लाखों करोड़ों लोगों की लाइफ बदल जाएगी। और दूसरे शब्दों में यूं कहूं तो धार्मिक ही नहीं, भगवान श्री राम जल्द ही देश के सबसे बड़े बिजनेस ब्रांड भी बनने वाले हैं। मतलब सिर्फ भगवान राम से जुड़ी चीजों का कारोबार इतना हो जाएगा जितना शायद ही इस देश में किसी और चीज का हो। दोस्तों इस वक्त देश में 200-250 शहर ऐसे हैं जो पूरी तरह उस शहर में मौजूद एक बड़े मंदिर की वजह से चलते हैं। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन यानी NSSO के मुताबिक भारत में धर्म से जुड़ी अर्थव्यवस्था तकरीबन 3 लाख करोड़ की है। देश की कुल GDP में इसका योगदान 2.25% के आसपास है। देश के कुछ सबसे बड़े मंदिरों की बात करें तो अकेले तिरुपति बालाजी मंदिर की सालाना आय 3,000 करोड़ रुपए है, शिरडी मंदिर की सालाना आय 500 करोड़ है, और तो और हर साल होने वाली कांवड़ यात्रा का
का कारोबार भी 250 करोड़ के आसपास का है। अब हम अयोध्या पर आते हैं। अयोध्या धाम में भगवान राम का मंदिर बनना पिछले 500 सालों की सबसे बड़ी घटना है। भारत में उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व से लेकर पश्चिम तक शायद ही देश का कोई कोना ऐसा हो जहां भगवान श्री राम पूजे न जाते हो। यही वजह है कि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पूरी दुनिया से हिंदू श्रद्धालु यहां आने के लिए बेकरार हुए बैठे। जय श्री राम, जय श्री राम। एक ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म के मुताबिक हर साल कम से कम 5 करोड़ श्रद्धालु अयोध्या आएंगे। कुछ एजेंसीज का तो मानना है कि ये फिगर 10 करोड़ तक जा सकता है। इससे उत्तर प्रदेश को हर साल 25 से 30 हजार करोड़ की आमदनी होगी। मतलब अयोध्या के मेकओवर पर खर्च हुए 80,000 करोड़ रुपए तो ऐसा लग रहा है सिर्फ 3 साल में ही पूरे हो जाएंगे। इस तरह राम मंदिर बनने के साथ ही अयोध्या में होटल्स, एयरलाइंस, हॉस्पिटैलिटी, FMCG, ट्रैवल, सीमेंट समेत तमाम ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको बम्पर फायदा होने वाला है। हालत ये कि 2020 में अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद से अब तक प्रॉपर्टी के प्राइस 4 गुना से 20 गुना तक बढ़ चुके हैं। ताज ग्रुप यहां 2 5-star होटल का कंस्ट्रक्शन शुरू कर चुका है। हयात और ओबेरॉय भी यहां पर 5-star होटल ला रहे हैं। इस वक्त अयोध्या में कुछ ही होटल है। अभी यहां 75 नए होटल पाइपलाइन में। ओयो ग्रुप भी यहां 1,000 होटल रूम्स और जोड़ने की कोशिश कर रहा है। अब भैया, जो लोग ये पूछ रहे थे कि राम मंदिर से क्या फायदा होगा, उनकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर किसी शहर में एक नॉर्मल सा 2-star होटल 20 कमरों वाला भी खुलता है तो वहां शेफ से लेकर मैनेजर, हाउसकीपिंग और बाकी स्टाफ को मिलाकर 20 30 40 से 50 लोगों तक का स्टाफ चाहिए होता है। मैं यहाँ छोटे से छोटे होटल की बात कर रहा हूँ बॉस। अब इन होटलों में काम करने के लिए सारा स्टाफ दूसरे शहरों से तो आएगा नहीं। हो सकता है कोई सीनियर मैनेजर आ जाए या कोई शेफ आ जाए, मगर बाकी लोग तो लोकल ही रखने ना पड़ेंगे। हेलो, इस तरह सीधे सीधे एक होटल में 20 30 से 40 लोगों को रोजगार मिल सकता है। 40 लोगों को रोजगार देने का मतलब है इतने ही परिवारों का पेट भरा जाएगा। अब आने वाले 2 सालों में अयोध्या में और उसके आसपास ऐसे 500 होटल भी खुलते हैं तो आप अंदाजा लगाइए कि अकेले हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलने वाला है। बताइए, इतना ही नहीं, यूपी सरकार ने तो होम स्टे योजना चलाकर आम लोगों को ही ये ऑफर दे दिया है कि वो अपने घर को होम स्टे में तब्दील करके अपने घर से ही कमाई कर सकते हैं। अब तक 600 घरों को सरकार की इस होम स्टे योजना से जोड़ा जा चुका है। अयोध्या के अधिकारी तो खुशी खुशी ये बता रहे हैं कि इस होम स्टे योजना के बाद जो लोग अयोध्या में अपना घर छोड़कर कहीं और चले गए थे कमाने खाने, वो अपने घरों में होम स्टे चलाने दोबारा अयोध्या आ गए हैं। मतलब क्या कमाल कमाल के चेंजेस हो रहे हैं, आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अभी तो मैं सिर्फ होटल इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। सभी जानते हैं कि किसी शहर में अगर कोई टूरिस्ट जाता है तो होटल धर्मशाला में ही रुकता है, वो बाहर रेस्टोरेंट और ढाबे में खाना खाने जाता है तो भैया ढाबे वालों का भी कारोबार बढ़ेगा। वही टूरिस्ट अगर शहर में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए टैक्सी लेगा तो ट्रांसपोर्ट वालों की भी चांदी होगी। यही टूरिस्ट मंदिर में चढ़ाने के लिए फूल लेगा, प्रसाद लेगा, सुविनेर शॉप से सुविनेर लेगा, वो सरयू के घाट पर जब जाकर दिए जलाएगा तो दिए भी लेगा। मतलब मैं एक मंदिर से पैदा होने वाले सारे कारोबार अगर यहां गिनाने लगूं तो शायद पूरा एपिसोड इसी में निकल जाए। और ऐसा नहीं है कि राम मंदिर का फायदा सिर्फ अयोध्या तक ही रहने वाला है। अयोध्या के आसपास गोंडा से बाराबंकी, अमेठी, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, सबको इसका बेनिफिट मिलेगा। सच तो यह है कि लाखों श्रद्धालुओं के आने के बाद अकेले अयोध्या हर चीज की डिमांड पूरी नहीं कर पाएगा। इतने लोगों के आने से फल, सब्जियों और दूध की जो डिमांड बढ़ेगी उसका सीधा फायदा किसानों को होगा। फैक्ट तो ये है भैया कि अयोध्या में जो डिमांड पैदा होने वाली है उसे प्रयागराज, गोरखपुर और वाराणसी जैसे पड़ोसी जिलों को मिलकर पूरा करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ मैं एक बात और जोड़ दूं कि जो भाई लोग मंदिर को हिंदू और मुस्लिम से जोड़कर ये साबित करने पर तुले हैं कि इससे तो एक वर्ग खुश नहीं है, अरे भैया जब मंदिर से हर गली कूचे को फायदा होगा तो क्या वो फायदा किसी एक खास धर्म के आदमी को ही होगा क्या? जो मुस्लिम भाई अयोध्या में रेस्टोरेंट या होटल खोलकर बैठे हैं, क्या मंदिर की कृपा उन पर नहीं बरसेगी क्या? और क्या उनके यहाँ लोग खाना खाने नहीं जाएंगे? हेलो, अगर वो इन इलाकों में गाड़ी चलाएंगे तो क्या टूरिस्ट उनकी गाड़ी में आकर नहीं बैठेगा? बिल्कुल बैठेगा। उस एरिया में अगर उनकी जमीन है तो क्या उनकी जमीनों के दाम 10 गुना नहीं बढ़े हैं क्या? बिल्कुल बढ़े हैं, और ये बात वो भी समझते हैं। तो दोस्तों, एंड में हर चीज तो धंधे पर ही टिकी है ना। बताइए, अगर मंदिर बनने से किसी को रोजगार मिल रहा है, उसका धंधा बढ़ रहा है, तो इससे खुश होगा कि नहीं होगा? एंड में सबको काम करके अपने परिवार को ही तो खुश करना है, और परिवार की खुशी से बढ़कर दुनिया में और क्या है, बताइए। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अयोध्या अगर आज चमक रही है तो इसमें एक बड़ा क्रेडिट स्टेट गवर्नमेंट को भी जाता है। अदालत के फैसले से 3 साल पहले ही योगी आदित्यनाथ जी ने मुख्यमंत्री बनते ही पहला काम तो ये किया कि उन्होंने अयोध्या को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में बदल दिया, जिससे उसका बजट बढ़ा, उसकी ताकत बढ़ी, और उसी वक्त से शहर को चमकाने का काम धीरे धीरे शुरू हुआ। और जब फैसला आया तो सरकारों ने अयोध्या पर अपना खजाना खोल दिया।
अयोध्या में राम मंदिर से 7 किलोमीटर दूर 14 बीघा जमीन पर 219 करोड़ रुपए लगाकर नया बस अड्डा बनाया गया है। मंदिर से बस कुछ ही दूरी पर 250 करोड़ रुपए लगाकर रेलवे स्टेशन को अपग्रेड किया गया है और 1450 करोड़ रुपए लगाकर नए एयरपोर्ट का पहला फेज का काम पूरा कर लिया गया है। एयरपोर्ट के पहले फेज का काम पूरा होने के बाद हर साल 10 लाख लोगों के यहां लैंड करने का अनुमान है और जब एयरपोर्ट कंप्लीट हो जाएगा तो हर साल यहां 60 लाख लोग आ सकेंगे। यहां तक कि नए रेलवे स्टेशन को भी अपग्रेड करके इस लायक बनाया गया है कि वहां डेली 60,000 से ज्यादा लोग आ सकते हैं। आपको यह भी बता दें कि एयरपोर्ट बनने के साथ ही हर दिन एयरलाइन कंपनियां अलग अलग शहरों से अयोध्या के लिए अपनी फ्लाइट शुरू कर चुकी हैं। इंडिगो ने दिल्ली अहमदाबाद और मुंबई से अयोध्या के लिए डायरेक्ट फ्लाइट शुरू कर दी है। एयर इंडिया ने बेंगलुरु कोलकाता और दिल्ली से डायरेक्ट फ्लाइट का ऐलान किया है और शुरू भी हो गई है। स्पाइस जेट और अकासा एयर ने भी कई सिटीज से अयोध्या के लिए डायरेक्ट फ्लाइट का ऐलान किया है। इसके अलावा IRCTC ने अयोध्या के लिए टूर पैकेज का ऐलान भी किया है। ट्रैवल कंपनियों का कहना है कि भारत ही नहीं साउथ अफ्रीका अमेरिका इंग्लैंड और फिजी तक से लोग अयोध्या आकर दर्शन करना चाहते हैं। यहां तक कि लोग इसके लिए कितना भी पैसा खर्च करने को तैयार हैं। कंपनियों का कहना है कि हमारे पास इतनी बुकिंग्स आ रही हैं कि हमारे लिए इसे मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। अयोध्या को लेकर लोगों का क्रेज इतना है कि प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आते ही गूगल पर अयोध्या को लेकर जो सर्च है वो 586% तक बढ़ गई। दोस्तों फोर्ब्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक 8% की एनुअल ग्रोथ के हिसाब से 2033 तक भारत में टूरिज्म का कुल कारोबार 443 अरब डॉलर का हो जाएगा। इन्हीं फोर्ब्स ने 2022 में भारत को दुनिया का 7वां सबसे खूबसूरत देश बताया था। भारत में कुल 42 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। इस लिहाज से भी भारत दुनिया में 6वें नंबर पर है। इतनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स और किसी देश में नहीं है। और अब तो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई है। इसके बाद सिर्फ इस मंदिर को देखने अयोध्या और भारत आने वालों का जो नंबर होगा ना भाई साहब, उसे आप सिर्फ इमेजिन ही कर सकते हैं। क्या समझे? आप सोचिए, अदालती फैसलों के महज 3 साल में अयोध्या में जमीन की कीमतें 10 से 20 गुना तक बढ़ गई। अभी तो राम मंदिर का पूरा कॉम्प्लेक्स बनना बाकी है। 2025 तक पूरा मंदिर कॉम्प्लेक्स बनकर तैयार हो जाएगा। इस बीच सैकड़ों नए होटल भी खड़े हो जाएंगे। इन सब के चलते अयोध्या और उसके आसपास 200 किलोमीटर तक जो डेवलपमेंट होगा उसके बारे में हम और आप सोच भी नहीं सकते। और इन सब के बावजूद कुछ लोग ये पूछते हैं कि मंदिर से मिलेगा क्या? अरे चचा, अरे ओ डैश वाले चचा, मंदिर से हम भक्तों को खुशी और प्रभु राम का आशीर्वाद तो मिलेगा ही, साथ ही मंदिर से इतने लोगों को रोजगार भी मिलेगा जितना कोई बड़े से बड़ा कारोबार भी नहीं दे पाए। इसीलिए मैंने शुरू में कहा है कि प्रभु राम भारत के सबसे बड़े धार्मिक ब्रांड ही नहीं, सबसे बड़े बिजनेस ब्रांड भी बन गए। बाकी तो जैसा मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि भगवान श्री राम के मंदिर का न बनना इस देश की आत्मा पर बहुत बड़ा बोझ था। प्रभु श्री राम की संतान होने के नाते ये एक ऐसा अधूरा फर्ज था जो हमें सालों पहले पूरा कर देना चाहिए था और आज सैकड़ों सालों बाद आत्मा से वो बोझ दूर हुआ है, वो फर्ज पूरा हुआ है, तो इस देश की किस्मत भी जरूर मुस्कुराएगी। भगवान तो आए ही हैं, उनके साथ लक्ष्मी जी भी आएंगी। मेरी यही प्रार्थना है कि भगवान श्री राम के मंदिर के इस प्रताप से इतने लोगों का पेट भरे, इतने लोगों को रोजगार मिले, इतने लोगों के बच्चों को खुशियां मिलें कि वो कभी खत्म ही ना हो। आखिर उस इंसान से ज्यादा खुशनसीब और कोई नहीं हो सकता जिसे इस बात की तसल्ली है कि वो अपने पैसों से अपने परिवार वालों को खुशियां दे पा रहा है। बाकी हो ही वही जो राम रची राखा। प्रभु श्री राम के चरणों में हम सब की तरफ से सादर नमन और वंदन। उम्मीद करते हैं कि राम मंदिर से जुड़ा हमारा ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। अच्छी लगी हो ये वीडियो तो प्लीज इसे और भी लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए और उन सब तक तो जरूर पहुंचाइए जो ये आपसे सवाल पूछते थे कि राम मंदिर बनने से फायदा क्या होगा, क्या किसी को रोजगार मिलेगा, अरे वहां अस्पताल बना दो, स्कूल बना दो, उन तक ये वीडियो पहुंचा दो, ये आपकी जिम्मेदारी है कि नहीं। बाकी हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, फेसबुक पे देख रहे हो तो हमारे पेज को जरूर लाइक करना, इंस्टाग्राम पे भी राम राम जरूर बोलना और अपना ओपिनियन देकर अगर पैसे कमाना चाहते हो तो प्रोबो ऐप जरूर डाउनलोड करना। डिस्क्रिप्शन में इस ऐप का लिंक दिया है, उस पे क्लिक करके प्रोबो ऐप को डाउनलोड करोगे तो ₹25 का वेलकम बोनस भी मिलेगा और तमाम टॉपिक्स मिलेंगे जहां पर आप हां या ना में ओपिनियन देकर ढेर सारे पैसे पा सकते हैं। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय श्री राम। कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। मिलते हैं जल्दी।